पूरा दिन सोचने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम जा रहे हैं फिनिक्स मॉल, वो भी है कुर्ला में, क्योंकि 25 दिसंबर आ रही है क्रिसमस, तो हमने सोचा कुछ डेकोरेशन होगा, वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करेंगे, मैं, मेरी वाइफ और मेरी नन्ही मुन्नी सी बेटी जो कि उसकी माँ के साथ घूम रही है यहाँ पे। जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो देखा कि छोटा मोटा डेकोरेशन चालू था जो कि नॉर्मल था, एज यूजुअल फिनिक्स मॉल में, कुर्ला वेस्ट में हमेशा रहता है। तो हमने सोचा आगे जाके और थोड़ा कुछ डेकोरेशन देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, जो भी था नॉर्मल था। और हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे, 9:30 बजे और 10 बजे मॉल बंद करने का टाइम हो चुका था ऑलरेडी। तो हम लोग भाग भाग के आगे तरफ बढ़ चुके थे, उसमें मैं ऑलरेडी बोर हो चुका था कि वो 10 बज रहे थे और पब्लिक सब बाहर जा रही थी और हम लोग सब तीनों जन अंदर आ रहे थे। तो हमने जैसे जैसे अंदर घुसा तो ये छोटा मोटा डेकोरेशन देखा। मॉल बने सोने से पहले क्यों नहीं हमने सोचा कि भाग भाग के नीचे जाए और यहाँ पे एक 2-3 सेल्फी खींच ले, ताकि इतने दूर आने से कुछ पैसा वसूल हो जाए हम लोग का, क्योंकि मॉल बंद होने का टाइम आ चुका था। और ये जो सिक्योरिटी मैडम है सबको बाहर जाने के इशारे कर रही थी। फाइनली नीचे हम पहुंच गए और हमारा फ़ोटो क्लिक करने का टर्न हम लोग वेट कर रहे थे, और मेरी बेटी अपने बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी, तो उनको बोला मैंने कि आप थोड़ा सब्र रखिए, आपका भी टर्म आएगा। तब तक ये छोटा सा एक्समस ट्री था जो कि बहुत ही प्यारा था, और ये सर जी यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे थे। तो फाइनली हमारा टर्न आ चुका था, हम लोग ने 2-3 यहाँ पे सेल्फी खींची और फोटोग्राफी की ही यहाँ पे, जो कि एक ही पोजीशन था यहाँ पे फ़ोटो खींचने का, जो कि फिर बाद में हम लोग ऊपर गए फूड कॉर्नर के पास थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए और कुछ खाने के लिए, और जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करने की कोशिश किया मैंने। यहाँ पे मेरे बेटी को खेलने का मूड हो चुका था, तो हम टाइम जोन में गए, थोड़ा बहुत यहाँ पे खेल लिया और टाइम पास कर लिया, फिर प्रोसीड किया हमारे घर की तरफ, क्योंकि एज यूजल 10:30 बज चुके थे और मुझे भी घर पे जाने के लेट हो रहा था, और मेरी बेटी कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थी बैठने के लिए। तो हम लोग ने उसको बिठा दिया और ये स्कूटर पे, एज यूजल बाइक की बहुत ज़्यादा फ़ैन है मेरी तरह, बाइक का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है मेरी बच्ची को। मुझे पता नहीं यहाँ पे कौन सा कैफ़े था या कौन सा रेस्टोरेंट था, लेकिन जो भी था ये यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट था, क्योंकि जेल की तरह रख रहा था और जेल का एक्सपीरियंस आप ले सकते थे 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए। तो मैं भी यहाँ पे सेल्फी खींच लिया मेरे वाइफ के साथ और मेरी बेटी के साथ। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्कोप था, यहाँ पे ज़्यादा वीडियो खींचने में नहीं मिला क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था। तो हम लोग ने नेचुरल की आइसक्रीम, चॉकलेट है यूजल, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा फेवरेट है चॉकलेट स्कूप, तो वो लिया और खाने की तरफ प्रोसीड कर दिया हम लोग ने। सेल्फी टाइम जो कि इंटरेस्टेड नहीं थी मेरी बेटी, यस यू हैव टू हैव समथिंग एंड एवरीथिंग दैट्स फॉर यू बच्चा, ये मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद था। खा के हम लोग निचली तरफ प्रोसीड कर चुके थे क्योंकि ऑलरेडी 10:45 हो चुका था, तो घर की तरफ प्रोसीड कर चुके थे और हम लोग को डिनर करने का टाइम भी हो चुका था। तो घर की तरफ प्रोसीड करके हमारे कार वेस्ट आ चुके थे हम लोग। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, जरूर सब्सक्राइब करना। टिल देन मेक योर ऑन रोड, यस यू हैव टू ऑर्डर दिस, बाय बाय।